बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बेगूसराय में गंगा नदी में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि गंगा के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल माटीहानी प्रखंड के रामदीरी और महाजी भवानंदपुर को जोड़ने वाली सड़क पानी की तेज धार में बह गई, जिससे कई इलाकों का संपर्क मुख्य गांव से कट गया है। आलम ये है कि लोगों को पुल पार कर रामदीरी और शहर जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आने जाने के लिए लोगों को 7 किलोमीटर दूर से होकर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अगर पानी के जलस्तर बढ़ने की रफ्तार ऐसी ही रही तो अगले 1 से 2 दिन में रामदीरी के कई गांव जलमग्न हो जाएंगे। रामदीरी और भवानंदपुर महाजी से जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा था जो पानी में बह गया। ये पुल लोगों को तत्काल में आने जाने के लिए बनाया जा रहा था। इसके साथ ही बरौनी प्रखंड के रूपनगर गुप्ता लखमिनिया बांध के किनारे पानी के तेज बहाव से बांध के नीचे की मिट्टी कट गई और बांध के किनारे का पेड़ भी तेज धार में बह गया। इसके बाद पानी के तेज बहाव से बलिया प्रखंड के गंगा दियारा इलाके में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी गंगा के पानी में डूब गई है। एक पानी के दबाव बहुत ज्यादा रहते माया पुल टूट गया, उससे आवागमन ठप हो गया। महाजी भवानपुर पतला टोल ये सब संपर्क गांव से साफे टूट गया, कहीं कोई आने जाने का रास्ता नहीं, कहीं कोई प्रशासन नहीं अधिक परेशान है। यहाँ महाजी भवानपुर पतला टोल बीन चोली लोकाबा टोला और महाजी के लिए भवानंदपुर है, सब जगह पानी से अस्त व्यस्त लोग हो गया है, आने जाने का राह बाधित हो गया है। नकटी रामनगर के भी रास्ता बाधित हो गया, उसी से आबादी था, घास आता था, माल का हम गाय ढूंढते थे उस पर हम चलते थे, अब बाधित हो गया। परेशानी सर हो रहा है रामनगर नकटी के लोग के दियारा में कुल डेरा है, वहाँ पर मवेशी हम लोग पालते हैं, हम लोग किसान हैं, वहाँ बाबू किए हैं, अगर आप जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, हम आप ऐसी वहाँ भूखे धूप में पड़ता होगा, भूखे रहता होगा, अगर आपने वहाँ घास का उपाय है, नहीं भूसा का उपाय होगा, कुल चीज के मतलब में पानी चला गया है। इस मामले पर माटीहानी सीओ उपेंद्र कुमार ने क्या बताया है, जरा सुनिए। रामदीरी रामनगर में जो पुल के पास ये बह गया है तो उसकी जांच राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक से करा ली जाएगी और यदि आवश्यकता हुआ तो हम नाव का परिचालन कराया जाएगा। अब ऐसे में लोग भगवान भरोसे हैं। देखना है कि प्रशासन ने पिछली गलतियों से क्या सबक लिया है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।